नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू, और आज की इस वीडियो में मैं एक माइक का अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, जो कि मैंने ये अमेजोन से लिया है। ये बोया का माइक है और मैं इसका आज अनबॉक्सिंग करूंगी। तो आप अगर क्रिएटर है तो आपके लिए माइक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक से हमारा जो ऑडियो क्वालिटी है वो और भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप अगर यूट्यूबर है तो ये माइक यूज कर सकते हैं। ये बोया का माइक है, आपको ये अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है। तो चलिए मैं आप इसका पैकिंग खोलूंगी और आपका दिखाऊंगी कि ये किस तरह का माइक होने वाला है। तो चलिए अब मैं इसका पैकिंग खोलने जा रही हूँ। तो देखिए इस तरह ये पैक किया गया। आप अगर दूसरा कोई भी चीज अमेजोन से लेते तो वो प्लास्टिक में भी पैक रहता है। तो देखिए ये बॉक्स में इस तरह आया है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक में नहीं दिया गया था। तो देखिए इस तरह ये पैक किया गया है। तो देखिए मैंने इसका पैकेट इस तरह खोल लिया है। तो इसके अंदर देखिए एक पेपर है और ये इस तरह यहाँ पे देखिए इस तरह ये पेपर पैक किया गया है। और यहाँ पे आपको देखिए इस तरह का ये पैकेट मिलता है और इसका आपका यहाँ पे पेपर मिल जाता है, जो कि इसमें एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है और इसका यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। तो इस तरह का आपको पेपर मिलता है और यहाँ पे ये पैकेट इस तरह का मिल जाता है। अब इसका देखेंगे तो यहाँ पे पीछे देखेंगे तो आपका यहाँ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अगर ये माइक लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके बारे में इस तरह जान सकते हैं। तो देखिए इस तरह का है और यहाँ पे फीचर भी इसका लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसका पैकिंग खोलने के बाद तो देखिए इसको खोलने के बाद यहाँ पे इस तरह का मिलता है, एक बैग जैसा। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बैग्स है, बैग टाइप का एकदम बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरह का इस एक बैग मिलता है और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे ये बहुत ही लंबा, मतलब कि 20 फीट का आपको इसमें वायर मिल जाता है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा दूरी में वीडियो बनाते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये 20 फीट का आपको ये इसका वायर मिल जाता है और इसका ये देखेंगे तो ये इस तरह का है। आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप अगर कैमरा के लिए कैमरा में यूज करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का मिल जाता है, और यहाँ पे मोबाइल पे या फिर स्मार्टफोन पे यूज करते थे इसको इस तरह नीचे करके आप अपना स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर करने के बाद आप यहाँ पे कैमरा पे लगा के ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये बैग के अंदर देखेंगे तो और भी यहाँ पे बहुत कुछ है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह का एक ये मिलता है आपको, तो ये कोई काम का नहीं है, इसी तरह इसमें मिल जाता है, तो इसको रख दें। और इसका एक ये इस तरह का मिलता है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक बैग में छोटा सा प्लास्टिक में ये पैक है इस तरह का, तो इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो देखिए इसको खोलने के बाद ये छोटा सा इसमें बैटरी मिलता है। अगर आप कैमरा में यूज करते हैं इसको तो आप ये बैटरी लगा सकते हैं। ये बैटरी काफी दिनों तक टिकता है, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू भी देखा था, तब उसके बाद मैंने ये माइक लिया है। तो बहुत सारा क्रिएटर ये माइक यूज करते हैं क्योंकि इसका बैटरी भी बहुत ज्यादा दिन तक टिकता है और ये माइक का ऑडियो भी अच्छा आता है, ऑडियो क्वालिटी। और ये इसमें ये मिल जाता है आपको, ये जो आप माइक है इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि तो देखिए ये जो है इसको हमें यहाँ पे लगाना होता है, जैसे कि ये आपका माइक है और यहाँ पे जो है इसका माइक, उसमें हमें इसको लगाना है इस तरह। तो देखिए ये इस तरह यहाँ पे लग गया है। उसके बाद ये यहाँ पे क्लिप है, तो क्लिप को आपको इसी में लगाना है। तो देखिए ये यहाँ पे इसके सामने में लगाना है, जैसे कि ये आपने माइक है और यहाँ पे माइक के नीचे ये क्लिप इस तरह इसको लगा लेना है। लगाने के बाद अब आता है बैटरी, तो ये देखिए छोटा सा बैटरी है, तो इसको हमें कहाँ लगाना है अभी बता रही हूँ। तो पहले इसको खोलना है इस तरह,
अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो है इस तरह का, इसको हमें इस तरह खोलना है। तो ये देखिए खुल गया और यहाँ पे देखिए बैटरी का यहाँ पे डालने वाला ऑप्शन है, तो हमें इसको लगा लेना है। अगर आप ये कैमरा में यूज करते हैं तो बैटरी की जरूरत पड़ेगी, अगर आप ये मोबाइल फोन में अपना स्मार्टफोन में यूज करते हैं तो बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसको लगा सकते हैं इस तरह, मैंने बता दिया इसको बैटरी यहाँ पे इस तरह यहाँ पे लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे बैटरी लग गया है, अब इसको हमें इस तरह बंद कर देना है। तो ये देखिए ये बंद हो गया है। तो अगर आप ज्यादा दूरी पे वीडियो बनाते हैं तो ये आपका वायर की जरूरत पड़ेगी, ये 20 फीट का तार है, तो बहुत दूरी पे वीडियो बना रहे तो भी आप इसका जरूरत कर सकते हैं। वैसे हम ये आगे का वायर खोले क्योंकि हम ज्यादा दूरी पे वीडियो नहीं बनाते, बस यहाँ पे बैठे और यहाँ पे थोड़ा आगे हम वीडियो इस तरह बनाते हैं। तो देखिए मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया। ये बोया का माइक है, आपको 700 के आसपास मिल जाता है, अमेजोन से ये आसानी से मिल जाता है। इसका ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत सारा क्रिएटर को आप देखेंगे तो ये बोया का माइक ही यूज करते हैं। आप अगर न्यू क्रिएटर है तो इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। वायर भी आपको इतना 20 फीट का लंबा वायर मिलता है और इसको कैसे यूज करना है मैंने सारा कुछ बता दिया है। इसमें बैटरी लगता है और ये माइक आपको अलग से जो ये दिया जाता है फॉर्म टाइप का, तो इसको हमें यहाँ पे लगाना है और ये क्लिप जो दिया जाता है इसको हमें यहाँ पे इस तरह लगा लेना है। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है ये कैसा होने वाला है, आप अगर न्यू क्रिएटर है तो इसको यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये माइक खुल के आ जाएगा अमेजोन पे, तो आप वहाँ से परचेज इसको कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप अगर ये माइक लेते हैं तो इसका क्वालिटी आपको कैसा मिला मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।